के लिए हम क्या क्या करें, जैसे कि अब जो पेंडेमिक का महामारी का समय चल रहा है, ऐसे समय में दिस एक तो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट कर रही है, लॉकडाउन कर रही है, या फिर हैंड हाइजीन के, सोशल डिस्टेंसिंग के भी सारे नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ स्टाइल को ठीक करके, उसके बारे में ये आज सेशन है स्पेशल, कि हम जूते ज़रा पहनने के क्या नियम हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ स्टाइल की वो हमारी इम्यूनिटी को डिसाइड करती हैं। तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि भारत एक गर्म देश है, इसमें 9 महीने लगभग गर्मियाँ रहती हैं। इन गर्मियों में हम जूते जराब क्यों पहने? अगर गर्मियों में हम जूते जराब पहनेंगे तो हमारा हार्मोनल एक्सिस उसे सप्रेस होगा और हमारे जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स रहे बनने पाएंगे। तो इसलिए बड़ा सोचे समझे, जितने भी गुरुकुल होते थे भारत में, सब में पहले चप्पल पहन के खड़ा पहन के रहते थे। तो ऐसे ही अब भी इस चीज़ का पालन करें। मैंने तो देखा है डॉक्टर्स भी, एडवोकेट्स भी, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सब लोग गर्मियों में जूते जराब पहन के रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। स्कूलों में, कॉलेज में, सब जगह होते हैं, उसे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। दूसरा, अगर हम देखें तो इसके बड़े सारे मेडिकल हार्म्स भी हैं। एक तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जब जराब और जूते, मतलब सुबह लोग जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जूते पहने ही रहते हैं गर्मियों में भी, तो ये बड़ा नुकसान देते हैं। जैसे आयुर्वेद में एक कहावत है कि हमारा पैर गर्म हो, पेट नरम हो, सिर ठंडा हो, तो उसके लिए पैर गर्म रहेगा हमारा फिजिकल एक्टिविटी से। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी रहेंगे, गतिशील रहेंगे, सुबह दौड़ लगाएंगे, दिन में खेती का काम करेंगे, उससे हमारा पैर गर्म रहेगा, उसका फ़ायदा। अगर हम आर्टिफिशियली गर्म करेंगे फिर तो बड़ा नुकसान है उसका, तो ये ध्यान रखना है। बाकी एक तो एक कोर्न्स के चांस है, तो कोर्न हो जाते हैं अंदर मस्से, पैरों के तलों में मस्से हो जाते हैं कोर्न, फिर उनको बिजली से, इलेक्ट्रिक कोटरी से या फिर केमिकल से ट्रीटमेंट करके ठीक करना पड़ता है, ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। फिर जोड़ों में दर्द के भी चांसेस रहते हैं, अगर जूते पहन के रखेंगे हम तो उससे भी बड़े परेशानी होती है। अगर जूते पहने हमें तो स्पोर्ट्स शूज़ सुबह शाम स्पोर्ट्स के टाइम में जब हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उसमें हम पहन सकते हैं, लेकिन रूटीन में हम ना पहने, रूटीन में जूते जरा से गर्मियों में ना पहने, ये बड़ी दिक्कत की बात है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में लेडीज़ जो हाई हील के सैंडल्स पहनती हैं वो भी नुकसानदायक है। एक आधे इंच की तो हील चल जाती है, जब 3-3, 4-4, 5-5 इंच की हील होती है तो उसे स्पाइन में भी दिक्कत होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, और फिर गर्भाशय पे भी इसका असर पड़ता है, यूट्रस पे, यूट्रस के जो सपोर्ट्स के लिगामेंट्स होते हैं उनमें खिंचाव आ जाता है, तो उसे बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं, इसका बचाव। और मैं तो चाहता हूँ कि जूते जो गर्मियों में भी पहनते हैं लोग 8-8, 9-9 महीने, उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का भी क्या इससे रिश्ता तो नहीं है, क्योंकि इससे हार्मोनल बैलेंस तो खराब होगा होगा, जब दिन भर हम गर्म रखेंगे पैरों को बहुत ज़्यादा, तो उससे हार्मोनल बैलेंस खराब होगा, तो उसके लिए इसके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। और अगर पहने हैं तो स्पोर्ट्स शूज़ कपड़े के पहने, लेदर के जूते ना पहने, हार्ड सोल वाले जूते बड़े नुकसानदायक है। और अगर हम वन जीवों को प्यार करते हैं, अगर जीवों के लिए हमारे अंदर जरा सी भी भावना है, तो उसमें चमड़े के जूते जरा ना पहने, चमड़े के जूते ना पहने, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के पर्स, चमड़े के आइटम्स का यूज़ ना करें। तो और फिर भारतीय शास्त्रों में तो मेंशन है, किसी भी भारतीय मंदिर में, किसी भी भारतीय तीर्थ स्थान में गंगा जी पे नहाने जाएंगे तो जूते, चमड़े के जूते चप्पल पहन के किसी मंदिर में नहीं जा सकते। तो चमड़े की चीज़ ना पहने, फिर घर में क्यों पहने हम, ऐसा काम क्यों करें हम? तो मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं MBBS MD डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो उसमें अगर इकोलॉजी की बात करें तो किसी की भी जीव की हत्या करके उसी चमड़ी को हम पैरों में डालें, अच्छी बात नहीं है। और वैसे अदरवाइज धार्मिक हिसाब से भी तो जूते चप्पल मेरे जो है ये चप्पल हैं, रूटीन में मैं ये पहनता हूँ जो रेसिन से सिंपल बने हुए, मतलब सिंथेटिक हैं, और ये जूते मैं रनिंग के टाइम में पहनता हूँ सुबह, अदरवाइज कभी कभार जाना पड़ता है तो ये लेदर की चप्पल है। आगे से मैं कोशिश करता हूँ कि भी कम से कम यूज़ करूँ इन चीज़ों का। तो आप भी इन चीज़ों को ध्यान करें, फॉलो करें। मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, लाइव सेशन किया था दिन में, कि हम शुशु अगर करें तो बैठ के करें, शुशु करके हम उगड़ू बैठ के शुशु करेंगे तो दिन में 4-5 बार अगर हम उगड़ू बैठेंगे तो उससे हमारे जॉइंट्स बड़े फ्लेक्सिबल रहेंगे, लचीले रहेंगे, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरह से मैंने एक इंडियन टॉयलेट वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट की भी वीडियो पोस्ट की थी, वो भी हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अक्सर कोई भी डॉक्टर इन चीज़ों की बात नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ समाज में बताना डॉक्टर का धर्म है। अगर हम खाली दवाइयाँ ही लिखेंगे, खाली ऑपरेशन करेंगे, तो वो तो एक पनिशमेंट हो गया। ट्रीटमेंट तो यह है कि हम बीमार ही ना हो कभी, जैसे हम लोग हेल्दी रहते हैं हमेशा, हमारी बड़ी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, हेल्दी फैमिली है हमारी। मैं चाहता हूँ कि ये देखिए हमारी फैमिली है, 4 लोग हैं हम परिवार में, हम हमेशा कई दशकों से हम लोग हेल्दी रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे व्यूअर्स हेल्दी रहें और इस महामारी के समय में सब निरोगी रहें। उसके बारे में मैं छोटे छोटे सेशन करता ही रहूँगा, वो भी आप जरूर देख रहे हैं। ये मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन पर विजिट भी करें जब भी समय मिले इनको। मेरी जो वेबसाइट है उस पर भी विजिट करें, मेरा फेसबुक का पेज भी, यूट्यूब का चैनल भी, जिससे कि
इससे रिलेटेड जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो आप खुल के उसमें डिस्कस कर सकें। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा जो किचन है तो घर में जो हम चप्पलें पहने वो बाहर लेके ना जाएं, और घर की चप्पलें अलग होनी चाहिए, और किचन में और मंदिर में जो का स्थान है घर में उसमें तो लगभग ना ही पहने या फिर बिल्कुल ही अलग हों तो अच्छा है। लोग तो खाना भी जूते पहन के खा लेते हैं, देखिए कितनी गलत बात है। खाने के समय में तो हमारे हाथ पैर मुंह हमें धो के और नंगे पैरों से खाना खाना चाहिए, जूते जराब पहन के खाना ना खाएं। तो ये चीज़ है, सर्दियां अगर आ जाएं तो सर्दियों में भी जूते जराब निकाल के कम धोएं ना तो खुले रहें, पेरिफेरी हमारी कूल रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो ये ध्यान रखें जूते के साथ में, ये वेस्टर्न कल्चर यहाँ अच्छी नहीं रहेगी, जैसे यहाँ की जियोग्राफी है उसके हिसाब से भी और जैसे शास्त्रों में भी लिखा है, अगर हमारी पेरिफेरी कूल होगी तो हमारे भोजन का डाइजेशन अच्छा होगा। छोटे छोटे से फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि इम्यूनिटी कैसे रहेगी। मेरे पापा 88 या 88 वर्ष के 100% निरोगी हैं क्योंकि वो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। मेरी ये सीरीज चल रही है, मुहिम चल रही है कि हम इस पैंडेमिक के समय में हम कैसे निरोगी रह सकते हैं, इस मुहिम में आप भी साथ दें और आप इन छोटी छोटी वीडियोस को सब लोगों को शेयर करें, और ये मेरी मुहिम चलती रहेगी। डेली मैं 1-2-3 वीडियोस लाइव सेशन करता रहूँगा, आप उनको देखें, और मेरी जो पिछली वीडियोज़ भी हैं इसमें यूट्यूब में उनको भी जरूर देखें, जिससे कि सारे समाज सकारात्मक रहे। हम अगर बीमार होते हैं तो उसके लिए अक्सर हम जिम्मेदार होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल जिम्मेदार होती है। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो हम हेल्दी रहेंगे। जितनी मर्जी सर्दियां हो, स्वामी रामदेव जी तो एक कपड़ा ओढ़ते हैं बस, और वो बीमार नहीं होते, और जो स्वेटर पहनते हैं मोटे मोटे कपड़े 4-4 जोड़ी पहनते हैं उनकी बीमारियां नहीं ठीक होती, उनको खांसी जुकाम बलगम बन जाती है, और वो तो क्योंकि लाइफस्टाइल उनकी बड़ी हेल्दी है, नेचर के साथ रहते हैं। तो नेचर के साथ रहें। मैं पिछले 15 वर्षों से मच्छरदानी लगा के सोता हूं, मैं एक पंखा भी नहीं चलाता था घर में, पंखा कूलर एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था, 15 साल हो गए बाहर मच्छरदानी में सोता हूं, बालकनी में मैं निरोगी रहता हूं। तो लोग एसी में भी कहते हैं कि भगवान ने गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि गलत खाना खाते हैं, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, वाइट पॉइजन्स, बासी खाना, ये दिक्कत का कारण होता है। तो इसलिए सिंपल खाना रखें, ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ मैं पोस्ट करता रहूँगा, आप ज़रूर देखें। थैंक यू। कितने लोगों ने गया फ्रोस पे करें आर यू श्योर दैट यू वांट टू स्टॉप स्ट्रीमिंग? यस, ओके।